नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की, आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड, चुनाव से पहले हरिद्वार आएंगे पीएम मोदी, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। हर की पैड़ी पर पीएम गंगा आरती भी कर सकते हैं और हरिद्वार से किसानों को भी बीजेपी साधने का काम करेगी। तो हरिद्वार में कमजोर स्थिति में रही है बीजेपी और हरिद्वार में दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। चुनाव से पहले हरिद्वार दौरा हो सकता है पीएम मोदी का और हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हरिद्वार से किसानों को भी साधेगी बीजेपी। तो हरिद्वार में बीजेपी की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर रही है और इसी को देखते हुए हरिद्वार में भी बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड खेला जा सकता है और ऐसे में चुनाव से पहले हरिद्वार के दौरे पर रह सकते हैं पीएम मोदी। हर की पैड़ी की गंगा आरती में भी शामिल होने की खबर मिल रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी। धामी कैबिनेट की आज बैठक, वही सेवा क्षेत्र नीति पर मोहर। और आपको बता दें कि सचिवालय में आज कैबिनेट की बैठक, वित्त शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी, जहां ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा और धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज, जिसमें तमाम प्रस्ताव पर हुई है चर्चा, सेवा क्षेत्र नीति पर मोहर और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर भी चर्चा। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा और बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लगती हुई भी नजर आ सकती है। सेवा क्षेत्र नीति पर भी मोहर लग सकती है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। तो यशराज, धामी कैबिनेट की आज बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा, क्या कुछ जानकारी आपके पास धामी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि धामी कैबिनेट की बैठक दोपहर 1 बजे से शुरू होगी और इस बैठक में सबसे कई महत्वपूर्ण अहम फैसले पर निर्णय लिया जाएगा और इस निर्णय के बाद ही सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में इसकी ब्रीफिंग होगी। वहीं इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से जो निर्णय लिया जाएगा वो अपने आप में, चूंकि जो बीजेपी ने अपने जब चुनाव का मैनिफेस्टो आया था उसमें जो शामिल कुछ किया गया था उसी से किसी एक पर निर्णय लिया जा सकता है। अभी तो उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है कि किन 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 विषयों को इसमें रखा जाएगा और किन किन विषयों पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जो धामी सरकार जिसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार के द्वारा भी उसको ऊपर लगातार पारित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको निर्णय लिया जा सकता है कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव भी, और इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी यह बैठक कई अहम मानी जाती है, मानी जा सकती है, क्योंकि इसके बाद कई आरक्षण विधेयक ऐसे हैं जो पारित होना अभी बाकी है। आपको बताना चाह रहा हूँ राज्य आंदोलनकारी के विधेयक पर ये अभी चर्चा होनी बाकी है, उस पर पारित होना बाकी है। तो ऐसे कई विधेयक होंगे जिस पर ऐसे कई कानून बनेंगे जिस पर यहाँ पर पारित होगा, उसके बाद उसको कानून का रूप दिया जाएगा। इसको लेकर के आज बैठक 1 बजे सचिवालय स्थित भवन में, विश्वकर्मा भवन में की जाएगी, उसके बाद 1 बजे के बाद इस पर ब्रीफिंग होगी। जी बिल्कुल यशराज, तो जैसा कि आपने बताया कि काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं, तमाम मुद्दों का आपने जिक्र भी किया, तमाम प्रस्तावों का जिक्र किया कि कौन कौन से प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है और ऐसे कौन कौन से मुद्दे जिन पर बहस होनी है या जिन पर चर्चा होनी है या जिन प्रस्तावों पर आज अहम चर्चा होके उन्हें पास किया जाना है। जी, इसमें से कुछ शिक्षा पर हो सकती है कुछ बैठक, उसमें से कुछ प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। वहीं कुछ पर्यटन क्षेत्र में भी विकास, पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ मोहर लग सकता है। उसके बाद धीरे धीरे यदि बात की जाए तो अभी जो उत्तराखंड में लगातार जो कंट्रिक्शन हो रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच, उस पर भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण ऐसे बैठक निर्णय हैं जिस पर धामी कैबिनेट इस बार फैसला लेगी। ठीक है यशराज, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धामी कैबिनेट की बैठक होगी 1 बजे से और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसका 22वां द्विवार्षिक
महाधिवेशन 17 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। गैरसैंण में आयोजित होगा 22वां द्विवार्षिक महाधिवेशन। महाधिवेशन में दल के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा और देहरादून में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। तो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 17 सितंबर को 22वां द्विवार्षिक अधिवेशन होगा और गैरसैंण में 22वां द्विवार्षिक महाधिवेशन आयोजित होता हुआ नजर आएगा। महाधिवेशन में दल के केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर आधारभूत संरचना और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की और वहीं उन्होंने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का भी लोकार्पण किया। साथ ही 142 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का भी शिलान्यास उनके द्वारा हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। भारत सरकार की जितनी हमसे अपेक्षा है, उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, उसमें शिक्षा को सदैव ही हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक समय था जब दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, विद्या के बारे में भी नहीं जानते थे, शोध अनुसंधान तो बहुत दूर की बात थी। उस समय में भी भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, उत्तराखंड सरकार की नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, धन सिंह रावत जी के विभाग ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में पिछले 3 साल में मैं निसंदेह कहूं कोई प्रदेश बराबर ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को जमीन पे उतारने का काम करता है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हराया है, जिसके बाद भारत में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने विराट कोहली और लोकेश राहुल के नाबाद शतक और कुलदीप यादव की फिरकी के दम पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और भारत की इस धमाकेदार जीत पर टीम इंडिया को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी टीम इंडिया को ट्वीट करते हुए जीत की बधाई दी। तो ये तस्वीरें आपके सामने, टीम इंडिया को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बधाई दी है और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद भारत में काफी ज्यादा जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं पर पटाखे फोड़े गए तो कहीं पर लोग पार्टियां करते हुए नजर आए, तिरंगा लहराते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी आपके सामने प्रदेश से, जहां पर कई जगहों पर लोग जश्न मनाते हुए और तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे थे। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बदलाव के दौर से गुजर रहे पंजाब का साक्षात्कार इन दिनों स्वास्थ्य क्रांति से हो रहा है। आम आदमी क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं, ये बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इतनी आसानी हो गई है, सोच से भी ज्यादा। पिछले 1 साल में 664 आम आदमी क्लिनिक का निर्माण अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी हर दिन 2 नए क्लिनिक। पुअर पीपल और गांव के लोगों के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होगी। आम आदमी क्लिनिक ने हमारी जिंदगी बदल दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्राथमिकताएं पहले दिन से बिल्कुल साफ थी।
स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है जिसे उसे मिलना ही चाहिए। इस मिशन के कुछ बुनियादी उसूल तय किए गए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको एक समान मिले, आसानी से मिले और सबसे अहम निःशुल्क मिले। डॉक्टर्स कंसल्टेशन, पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेवाएं जिसमें 41 तरह के टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी पर हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते थे जो कि अब बच जाते हैं। ऐसी सुविधा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। पिछले एक साल में 50 लाख लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तकरीबन 30 करोड़ की मुफ्त दवाएं दी गई और करोड़ों रुपए के फ्री टेस्ट किए गए। गरीबों के लिए तो ये सचमुच वरदान साबित हो रही है। जब हम प्राइवेट कहीं भी जाएं तो 600-700 रुपए तो फीस ही है, हमारी काफी बचत हो रही है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट। लोग खुश हैं। सरकार का ये कदम आम आदमी के जीवन को एक खास तरह से छू रहा है, ऐसे जैसे कोई अपना अपनों के लिए अपना फर्ज निभा रहा हो। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिलाओं को एक और बड़ी सौगात दी है और उत्तराखंड में दैनिक वेतन के रूप में काम करने वाली महिलाओं को भी अब मैटरनिटी लीव की सुविधा दी जाएगी। हालांकि सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं को इसका लाभ पहले से ही मिलता रहा है, लेकिन अब दैनिक वेतन भोगी महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, टिहरी लोकसभा की बैठक शुरू हो चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बैठक ले रहे हैं, माफी चाहेंगे, बैठक ली गई है और बैठक में टिहरी लोकसभा के बीजेपी विधायक मौजूद रहे और सांसद माला राज लक्ष्मी शाह भी बैठक में मौजूद रही। तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई है और टिहरी लोकसभा की बैठक हुई है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली है और बैठक में टिहरी लोकसभा के बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। तो टिहरी लोकसभा की बैठक हुई है और सांसद माला राजलक्ष्मी भी मौजूद रही। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित होती हुई नजर आई और टिहरी लोकसभा की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ये बैठक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ली थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि कुछ महीने बाद चुनाव है और अब शिलान्यास करके उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। अगर शिलान्यास करना ही होता तो 3 साल पहले कर चुके होते, जिससे अब तक स्कूल बनकर तैयार हो चुके होते। देखिए, अभी चुनाव हैं कुछ महीने बाद और आज शिलान्यास करके ये उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। अगर यही काम करना था तो 3 साल पहले हो जाता, ताकि स्कूल अभी तक बन चुके होते और लोगों को उसका लाभ मिल रहा होता। आज आपके द्वारा जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो रही, वहाँ साधनों की व्यवस्था नहीं हो रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किताबें समय से नहीं बंट पा रही, उसकी व्यवस्था को ठीक करें। दिल्ली से देहरादून की दूरी कम करने और राज्य में पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और इस निर्माण कार्य की रफ्तार का जायजा लेने के लिए सूबे के लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आशा रोडी डाटकाली पर बन रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय नेशनल हाईवे और विभागीय अधिकारियों से दिल्ली देहरादून कॉरिडोर के निर्माण को लेकर जानकारी भी उन्होंने ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, उत्तराखंड में मदरसों में संस्कृत शिक्षा
और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा और अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल की गई है। तो उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी अब, और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम तो लागू किया ही जाएगा और तमाम विषयों के साथ ही संस्कृत शिक्षा को भी मदरसों में अब शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी अब उत्तराखंड के मदरसों में। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है, मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी किया जाएगा लागू और अन्य विषयों के साथ ही संस्कृत शिक्षा भी शामिल रहेगी। उत्तराखंड में बारिश के बाद अब डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है और प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के अनुसार इस साल अब तक उत्तराखंड में डेंगू से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं प्रदेश में डेंगू से अब तक 1130 मामले सामने आए हैं, जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 257 है। और इसके साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब नया प्लान तैयार किया है, जिसमें डेंगू की रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई है। और इसी के तहत एक ही जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे, जहां पर प्रत्येक घर में लार्वा नष्ट करने के लिए सफाई अभियान के साथ साथ फॉगिंग भी की जाएगी। देश में अब तक 1130 केसेस हैं डेंगू के, लेकिन अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो मात्र 257 केसेस हैं और विगत कुछ दिन से संख्या में भी कमी आई है। डेंगू मैनेजमेंट हेतु सभी हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं, चाहे वो प्लेटलेट मैनेजमेंट का हो या पेशेंट मैनेजमेंट का हो। और अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी हमने पत्र लिखा है कि मात्र स्पेशल कंडीशन में वो स्पेशल डोनर प्लेटलेट्स रिकमेंड करें और नॉर्मल कंडीशंस में रैंडम डोनर प्लेटलेट्स का ही प्रिस्क्राइब करें। और अभी हम लोग एक चीज़ पे और भी एम्फसाइज करने वाले हैं कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन का रिकमेंडेशन ना करें, मात्र जब 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट काउंट जाता है तभी प्लेटलेट्स रिकमेंड करें, नहीं तो पेशेंट के लिए जान की भी दिक्कत हो सकती है। डेंगू के हाहाकार के बीच हरिद्वार में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी सामने आ रही है और जानकारी के अनुसार बिना डेंगू के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है और उनसे मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों की बात करें तो हर दिन 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और कई मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि हालात बिल्कुल सामान्य है, जिस पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी ना करें और इसके लिए टीम भी बनाई गई है। मनमानी करने से नहीं पड़ता, इसलिए आज जिलाधिकारी को ये कहा है कि इसको भी लगातार देखें कि कोई प्राइवेट अस्पताल मनमानी न करे और उसका पूरा सहयोग मिले इस तरीके की आपदाएं आती हैं, अभी सब लोग एकजुट होकर उसका मुकाबला सामना करते हैं। तो मैंने पूछा था कि कैसे क्या इस तरीके की कोई शिकायत आई है, तो मेरे संज्ञान में लाया गया कि नहीं, अभी तक इस सरकार की कोई शिकायत नहीं मिली। जो प्राइवेट अस्पताल है वो भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही यदि वो अतिरिक्त चार्ज लेंगे या जो पैसा लेकर को तब जाकर के उपचार बड़ा पैसा लेकर के जो दवाइयों पर जो पैसा खर्च होना है वो तो होना ही है, लेकिन यदि ये लगता है कि नहीं कोई उस मजबूरी का लाभ उठा रहा है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। वो डीएम को भी सीएमओ को भी कहा है। हरिद्वार में तीन विभिन्न समस्याओं को लेकर बीजेपी नेता सुभाष चौधरी ने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र निस्तारण की मांग भी रखी। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान को अवगत कराया गया कि गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा संबंधी चेक आवंटित नहीं किए जा रहे, जिसके अलावा गांव में पेयजल टंकी लाइनों का काम भी निर्माणाधीन है और खुदाई के दौरान गांव की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आए। सबसे पहली मांग तो ये है कि बाढ़ प्रभावित गाँव था जिसमें बहुत बुरी तरीके से फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, वो उसी को लेकर हम एसडीएम साहब से मिले कि अब तक कोई भी चेक गांव में एक भी चेक वितरण नहीं हुआ। नंबर दो, हमारा गांव में जो टंकी लगी हुई है उससे सारी सड़कें टूटी हुई है,
नीचे से गाड़ियों के चैम्बर फट गए, मोटरसाइकिल से गिर कर हाथ पैर टूट रहे लोगों के। हमने ये बोलना है उन्हें भाई 80% काम आपका निपट चुका है, कनेक्शन भी हो चुके हैं, उसमें जो आप उस सड़क को सही करा दो। सबसे पहली मांग तो ये है कि बाढ़ प्रभावित गांव था। उधर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। और दरअसल पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते गौला नदी के पानी में तेज बहाव हो रहा है, जिससे रेलवे ट्रैक पर हो रहे काम के साथ ही रेलवे की ओर से लगाए गए प्लास्टिक के कवर को भी नुकसान पहुंच रहा है। और रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए रेलवे ने ट्रैक और प्लास्टिक के कवर को रस्सियों से बांध दिया है। गौला का जलस्तर बढ़ने के चलते सारा पानी क्षतिग्रस्त रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक के नीचे से जा रहा है, जिससे आने वाले समय में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। से लगातार बातचीत हो रही है और उच्च अधिकारियों के भी निर्देश हैं कि इस पर शीघ्रता से कार्य पूर्ण किया जाए, जिसके क्रम में इन लोगों की टीम वहां मौके पर लगातार काम कर रही है। और कल चूंकि 2-3 दिन से जो बारिश थी उसे काफी तेज गोला में पानी बहाव का भी तेज था, काफी ज्यादा पानी था, जिसके कारण इनका जो वो पॉलिथीन के पास बना हुआ हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हुआ है और उस पर इनकी टीम काम कर रही है। तो मैं पहले जो चैनलाइज कराया था पानी किनारे जाए, लेकिन पानी फिर रेलवे ट्रैक की तरफ आ रहा है। बिल्कुल, इनको जो इन्होंने चैनलाइज कराया था उसमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बीच चूंकि गोला में पानी ज़्यादा है इनका काम भी अभी बीच में रुक गया था। और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो उनके सीनियर अधिकारियों से भी बात हो रही है, उन सभी का कहना है कि इसको शीघ्रता से इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और जल्दी से जल्दी इस ट्रैक की सुरक्षा का प्रबंध कर दिया जाएगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।